दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल भटनागर, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, दीपमाला पगरानी हॉस्पिटल अजमेर। दोस्तों आज हम एक चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे, ब्लड प्रेशर और इसके रोकथाम कैसे की जाए। दोस्तों आज इंफॉर्मेशन एज में हर व्यक्ति जानता है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। उसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है और चाहता है कि क्या ऐसे उपाय करे जाए कि हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकें। दोस्तों ब्लड प्रेशर एक सामान्य प्रेशर है जो हमारा दिल जब धड़कता है तो रक्त वाहिका में जब ब्लड फ्लो होता है उस धड़कने की प्रोसेस में जब ब्लड प्रेशर जो रक्त वाहिकाओं पे जो हार्ट पंप करता है ब्लड तो एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों ये सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति का दिल धड़कता है और हर व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को खून की जरूरत होती है, तो इसको पहुंचाने के लिए दिल की धड़कन की द्वारा ही एक प्रेशर एग्जर्ट होता है और इस सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इस ब्लड का संचालन करा जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों क्या हर ब्लड प्रेशर हमारे लिए हेल्दी है? दोस्तों ये ब्लड प्रेशर जब एक सामान्य से, क्योंकि सामान्य मात्रा में अगर ब्लड को पहुंचाने में अगर ये प्रेशर काम में आएगा तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी वजह से अगर ये बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर यह दुष्प्रभाव दिखाता है। दोस्तों विभिन्न अवस्थाएं हैं जिसमें हमारा ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव दिखाता है। जैसे कि हमारी बढ़ती हुई आयु, जब हमारी आयु बढ़ती तो हमारी शरीर की धमनियां या हमारी रक्त वाहिकाएं सख्त होने लगती हैं और कुछ संकुचित हो जाती है उनमें कुछ तत्वों का जमाव होने की वजह से। तो उस सुखड़ी हुई नलियों में अगर ब्लड फ्लो करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर से ब्लड आगे फ्लो करना पड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दोस्तों इसके अलावा, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम रोक नहीं सकते, हमारी सबकी आयु बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ फैमिली में ये ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से पाया जाता है, मतलब फैमिली के अलग अलग मेंबर्स में ये ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी फैमिली में अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण कारण है अगर हम नमक का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो नमक हमारे शरीर में कई ऐसी प्रक्रिया करता है जो कि गुर्दे और ज्यादा वॉल्यूम को, पानी के वॉल्यूम को इकट्ठा करके ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। साथ साथ अगर हम पोटेशियम की मात्रा कम लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ साथ अन्य कई बीमारियां भी होने लग जाती हैं। इसके अलावा हम अगर प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं या ऐसा फूड जो कि मतलब बहुत फैटी कंटेंट से के साथ रिच होता है तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ऐसा फूड खाने से हमारा मोटापा बढ़ता है और खून की नलियों में जो कि को ज्यादा प्रेशर से ब्लड आगे पहुंचाना पड़ता है क्योंकि शरीर के अंदर खून की जरूरत बढ़ जाती है मोटापे की वजह से। इसके अलावा और भी कई अस्वास्थ्य पूरक कारण है जैसे कि तनाव का अधिक होना। दोस्तों तनाव हमेशा कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट करता है जिसकी वजह से हमारी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और इस सिकुड़न की वजह से इन रक्त वाहिकाओं में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिकुड़ी हुई रक्त वाहिकाओं में दिल को ज्यादा जोर से प्रेशर लगा करके खून को आगे धक्का देना पड़ता है। दोस्तों हम ब्लड प्रेशर की बात तो करते हैं पर क्या ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई लक्षण पैदा होते हैं? दोस्तों ब्लड प्रेशर सामान्यतया कोई भी लक्षण पैदा नहीं करता है और जब ये लक्षण पैदा करना चालू करता है तो बात काफी आगे तक बढ़ चुकी होती है, काफी अंगों में नुकसान हो चुका होता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम नियमित रूप से अपनी जांच कराएं ब्लड प्रेशर की, ताकि हमें पता लगे कि हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य है या बढ़ा हुआ, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई लक्षण आते ही नहीं है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं तो ही हम जान सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य है या बढ़ा हुआ है। दोस्तों जब इसके लक्षण आने चालू होते हैं तो ये काफी हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा चुका होता है, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण हमारे को ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जैसे कि सुबह उठते समय सिर में दर्द रहना, ज्यादा थकान का रहना, हमारी अगर
आंखों की जो जो दृष्टि है वो बार बार बदलती है, या फिर हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, या फिर हमें उल्टी या ऐसे कुछ ऐसे लक्षण जो कि असामान्य होते हैं, जो सामान्य रूप से हमारे शरीर में मौजूद नहीं होते, ऐसा अगर कोई भी लक्षण हमें नजर आए तो हमें अपना ब्लड प्रेशर की जांच करवा लेनी चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर एक भयानक बीमारी हम कहा जाता है आज के समय में, क्योंकि एक साइलेंट किलर के रूप में हिंदुस्तान में काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान कर रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी को और लोगों के अंदर इसकी वजह से, बल्कि हमारे तो मैं कहता हूँ कि सरकार को इसकी वजह से बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से विभिन्न बीमारियां पैदा होती है, तो उनके उपचार और निदान के लिए गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि ये ऐसी बीमारी है जिसका आसानी से निदान यानी इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है और बहुत आसानी से इसको नियंत्रित करा जा सकता है, बहुत आसान है, लेकिन इसके बारे में इसके लिए हमको जानना जरूरी है। दोस्तों ब्लड प्रेशर सिर्फ हम नाप के ही पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या सामान्य है। दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक साधारण सा स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, और आजकल तो डिजिटल जो हम घर में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ अपने बांध कर ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर सकता है, आसानी से हम अपना ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में ब्लड प्रेशर काफी सामान्यतः लोगों के अंदर पाया जाने वाली बीमारी है। और दोस्तों एक सामान्य ब्लड प्रेशर आज के रिसेंट टाइम में WHO ने डिफाइन करा है कि हमारे 120 और से लेके और तो अपर साइड का और 80 नीचे वाला ब्लड प्रेशर होना चाहिए, यानी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इससे ज्यादा का ब्लड प्रेशर अगर होता है तो उसको असामान्य ही घोषित करा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये ब्लड प्रेशर, चूंकि ये ब्लड प्रेशर हमारे दिन भर की एक प्रक्रिया होती है, हमारा दिल दिन भर धड़कता है, तो दिन भर ये ब्लड प्रेशर एक साथ नहीं रहता है कि कभी थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है, सामान्य रूप से इसका इतना ऊपर नीचे होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये जैसा मैंने बताया 120 से 80 तक होना चाहिए, अगर ये सामान्य से कुछ ज्यादा लगातार रहता है तो हम इसको हाइपरटेंशन घोषित करते हैं। जैसे अगर ये 140 और 90 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर आपको है। और एक मैंने जैसे बताया कि सामान्यतः हर व्यक्ति को इसको लेना आना चाहिए, इसका विशेष कारण है दोस्तों, क्योंकि हम अगर 24 घंटे का ब्लड प्रेशर अगर हमारे पास नहीं मौजूद होगा, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे तो हमारे नापना संभव नहीं है, सुबह दोपहर और शाम और एक रात को जब सोते समय का हम ब्लड प्रेशर ले लेते हैं, तो हमारे लिए ये डॉक्टर को इसके निदान और उपचार करने में बहुत मददगार है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास कोई लगातार तो बैठे रह नहीं सकते और डॉक्टर को लगातार ब्लड प्रेशर ले नहीं सकता, वो एक बार ले लेगा आपको, एक बार लिए हुए ब्लड प्रेशर से आपका कोई निदान या आपका उपचार नहीं करा जा सकता। इसलिए ये एक ऐसी प्रक्रिया जो हर व्यक्ति को आना चाहिए और अपने घर के अंदर वो ब्लड प्रेशर लेना जाना चाहिए। अगर ये इस तरह की रिकॉर्डिंग लेके डॉक्टर के पास जाता है तो अच्छी तरह से निदान और उपचार उसका करा जा सकता है। दोस्तों ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं जो 140 से 90 से ज्यादा है, तो उसका तुरंत उपचार करना बहुत और जल्दी उपचार करना बहुत जरूरी होता है। सामान्य प्रक्रियाओं से अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें, अपना आहार स्वस्थ रखें, साथ साथ हम धूम्रपान और अल्कोहल के सेवन से परहेज करें, और साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी जैसे कि मैंने पहले भी कहा करना बहुत जरूरी है। हमारे को तनाव का प्रबंधन भी आना चाहिए। आज की तारीख में हम तमाम तनाव के प्रबंधन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मीडिया से हमेशा सुनते रहते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आज की तारीख में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तनाव इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तनाव को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर इसका प्रबंधन हम सीख जाएं, हम टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, अपना स्वस्थ आहार लें और साथ साथ मेडिटेशन करें, ऐसा संगीत सुने जो कि बहुत अच्छा लगता है। बल्कि एक मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर राग भैरवी के बारे में आपको कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाए तो अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, और विशेष रूप से सोते समय ऐसी राग को अगर सुनेंगे तो वो आपके तनाव के कंट्रोल में आपको काफी मदद करेगा। साथ साथ आपका अगर ब्लड प्रेशर पता लग गया है कि सामान्य से ज्यादा है और सामान्य से ज्यादा रहता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो वो दवा प्रेस्क्राइब करता है वो नियमित रूप से लेना चालू करें। दोस्तों ब्लड प्रेशर एक सीरियस बीमारी है, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव से हम इसको काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। हम अगर
नियमित रूप से व्यायाम करें, शारीरिक श्रम करें जो कि हमारे हार्ट के लिए एडवाइज्ड है, हमारी उम्र के लिए एडवाइज, क्योंकि हर नियमित यानी कि एक जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी वजह से अगर हमारा कोई शरीर का अंग खराब है और ज्यादा व्यायाम करते हैं तो वो भी हानिकारक हो जाता है। तो हर उम्र के साथ साथ अलग अलग एक्सरसाइजेस रिकमेंड करेगी हार्ट की मसल्स को स्वस्थ रखने के लिए, और अगर इन एक्सरसाइज को हम करते हैं तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है, हार्ट की जो मसल स्वस्थ होती है तो वो सामान्य रूप से धड़क करके ब्लड को आगे बढ़ाता, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। साथ साथ हम स्वस्थ आहार लें, क्योंकि दोस्तों अगर हम ज्यादा मात्रा में सब्जियों का सेवन करते हैं, फलों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और एक संपूर्ण या टोटल अनाज खाते हैं, ना कि उसके अंदर से कुछ हिस्से निकाल करके उसको स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसको अनाज को छान देते हैं और मैदा के रूप में काम लेते हैं, ऐसा अनाज का प्रयोग अगर हम बंद करें तो हमारे इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। दोस्तों एक डाइट है उसको हम डैश डाइट बोलते हैं, वो जो कि मेडिटेरेनियन डाइट है, जो कि एक तरह से हमारा कंट्रोल डाइट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रिकमेंडेड डाइट है। अगर हम वो लेते हैं तो हम इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम सैचुरेटेड या ज्यादा मात्रा में फैट के इस्तेमाल को कम करें तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि इससे हम अपने जो ब्लड वेसल्स की जो संकुचित या उसका जो अवरोध जो जमाव के कारण कोलेस्ट्रॉल जमाव के कारण तो पैदा हो रहा है उसको दूर कर सकते हैं, अपना मोटापा दूर कर सकते हैं इस तरह फैट के अगर इस्तेमाल को हम कर देते हैं तो। और साथ साथ हम अपने आहार में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दें, हमारे पास बहुत सारे पोटेशियम रिच फूड है जो हम अगर आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इसमें अगर हम कहीं तलाश करेंगे तो हमको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि हमको क्या क्या खाना है। केले के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, नारियल पानी में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, अगर ये हमारे दैनिक आहार का अगर हम हिस्सा बना लें तो ये बहुत हमारे लिए मददगार है। साथ साथ हम हमारे आहार में सोडियम की कमी अगर कर देते हैं और सोडियम का मतलब उपयोग कम कर देते हैं या नमक का उपयोग कम कर देते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में बहुत ज्यादा सहायक है। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में सिर्फ 6 ग्राम नमक ही रिकमेंडेड है, अगर 6 ग्राम से अगर हम ज्यादा लेते हैं एक स्वस्थ आदमी के लिए तो उसके वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक भूमिका अदा करता है नमक। और अगर ब्लड प्रेशर अगर रिकॉर्डेड है और ब्लड प्रेशर अगर पता लग गया है तो हम इस 5 ग्राम की मात्रा को भी हम करते हैं कि इसको भी कम करते हैं 3 से 4 ग्राम तक, अगर ऐसा कर पाए तो उसके ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में ये चीज बहुत ज्यादा सहायक है। छोटे बच्चों में तो बल्कि कहते हैं 2 से 3 ग्राम ही नमक पर डे लेना है। और साथ साथ हम अपने जो दूसरी बुराइयां के रूप में हम कहते हैं धूम्रपान का हम टोटली नियंत्रित करें, अल्कोहल के सेवन का पूरा करें क्योंकि नियंत्रित करें तो हम अपने इस ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये रिसर्च के द्वारा पता लगा कि धूम्रपान हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारी धमनियों को सख्त करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को टोटली बहुत ज्यादा एक्सपीडिएट कर देता है, तो इससे ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है। साथ साथ हम अपनी ब्लड प्रेशर की जैसा मैंने पहले बताया कि निगरानी खुद करें, अपने रिकॉर्डिंग खुद अपने करें, अगर वो सामान्य से ज्यादा मिलता है तो हम उसके एक पेपर के ऊपर रिकॉर्डिंग कर लें और अपने डॉक्टर से जब भी मिलने जाते हैं तो इस तरह की रिकॉर्डिंग जो अलग अलग मौके पे की गई है सुबह दोपहर शाम और रात वो आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तो उस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है लेकिन दिन भर की प्रक्रिया के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अगर ऐसी रिकॉर्डिंग हमने सुबह कर ली तो हम अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर मान लेंगे क्योंकि वास्तव में तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। अगर ये हाई है तो हम अपने डॉक्टर को या अपनी रिकॉर्डिंग को ले जाकर दिखाते हैं तो उसको वो आपको जो भी सलाह देगा वो उसको देख करके उस ब्लड प्रेशर की दिन भर की जो वेरिएशन आ रहा है उसके आधार पर वो उसको सलाह दे सकता है। दोस्तों साथ साथ हम अपने तनाव का प्रबंधन जैसे मैंने कहा करना खुद सीखना पड़ेगा। आज सारी योगिक एक्सरसाइजेस हमको टीवी पे इंफॉर्मेशन मीडिया पे सारी मौजूद है कि हम हमारे दिमाग को कैसे नियंत्रित करें, हम अपने सोच विचार को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम अपने जो आज के तनाव भरे जीवन में जो भागदौड़ की जिंदगी है उसको कंट्रोल करें। कि दोस्तों आज मैं अक्सर देखता हूं कि मेट्रो सिटीज में लोग भागते हुए भोजन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या खा रहे हैं और साथ साथ वो जब फूड का जो बजाय घर में बनाने के बाहर से मंगाते हैं तो प्रोसेस फूड घर पहुंचता है उसमें नमक की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग करा जाता है। अगर ऐसा वो करना ऐसा चीजों को अवॉइड करना सीख लें तो ये उनके
ब्लड प्रेशर नियंत्रण में बहुत ज्यादा सहायक होगी। साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर हमारा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है और अगर उसने कोई दवा का कोई हमको उसको नियंत्रण करने के लिए दवा के द्वारा उपाय सुझाया है तो दोस्तों हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो हम अपने खुद के प्रबंधन के द्वारा हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी सिर्फ डाइटरी कंट्रोल कर लें ढंग से, जो कि रिकमेंडेड है ब्लड प्रेशर के अंदर, तो हम 10 से 12% तक मिलीमीटर मर्करी तक हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और नमक के कंट्रोल के द्वारा भी 5 से 6 मिलीमीटर मर्करी तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसी लाइफ स्टाइल चेंजेस करें जिसमें इन दोनों चीजों को हम अपने लाइफ स्टाइल में समावेशित कर लें उचित मात्रा में। इस तरह का अगर हम प्रबंधन करते हैं तो दोस्तों ये हमारे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में सबसे ज्यादा सहायक है। जो आज की तारीख में जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे गुर्दे की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आज स्ट्रोक्स की जो जो इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं हमारी दृष्टि में, जो आज के जो अन्नापन कुछ जगहों पे ब्लड प्रेशर की वजह से, इन सब चीजों को हम नियंत्रित करने में सिर्फ इन अपनी थोड़ी बहुत चीजों को, जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उनको चेंज करके हम अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ या तो लाइफस्टाइल चेंज है, और अगर किसी वजह से अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से हम पूरा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं कर पाते तो दवाओं के नियमित इस्तेमाल से, जो डॉक्टर्स के द्वारा उनकी निगरानी में हम अगर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को सामान्य रूप से बिना अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ के द्वारा व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों यही मेरा आज का संदेश था। थैंक यू वेरी मच।